हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पाव। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 250 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबल स्पून तेल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप दही, इनो, हाफ टी स्पून नमक और थोड़ा सा दूध। अब हम एक छन्नी में मैदा डाल देंगे और इसमें बेकिंग पाउडर मिला लेंगे और अच्छे से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है जिससे बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने ये मैदा छान लिया है और अब इसमें मिक्स करेंगे नमक, पिसी हुई चीनी और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दही। दही मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इनो। इनो डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब ये आटा हमारा ऐसे लग रहा है जैसे फटा हुआ, क्योंकि इसमें इनो का रिएक्शन हो गया है। अब हम सूखा मैदा डाल डाल के अच्छे से मलते जाएंगे। इसे 10 मिनट तक मलते रहेंगे जिससे ये सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा मैदा बीच में मिलाते जाएंगे। अब ये हमारा मैदा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी हम लोई तैयार कर लेंगे। लोई तैयार करके एक टिन में हम बर्तन में तेल लगाएंगे चारों तरफ और छोटी छोटी लोइयाँ बना के उसमें रख देंगे और इसके ऊपर से हम दूध लगा के 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक 10 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं, इतनी देर के लिए हम ओवन और कुकर 5-6 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। आज हम माइक्रोवेव में भी बना रहे हैं और कुकर में भी बना रहे हैं। अब हम दोबारा इसके ऊपर दूध लगा के कुकर के अंदर रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच करके 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए ही हम माइक्रोवेव में रख रहे हैं। 200 डिग्री पर हम माइक्रोवेव में भी 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम 10 मिनट के बाद में बाहर निकाल के उसके ऊपर थोड़ा घी लगा के वापस 10 मिनट के लिए कुकर में और माइक्रोवेव में रख देंगे। इसके बाद हम 10 मिनट बाद में बाहर निकालते हैं तो ये हमारा पाव तैयार है। अब हम इसमें तुरंत ही घी लगा देंगे चारों तरफ से जिससे कि ये सॉफ्ट रहे, ये हार्ड हो जाएगी। घी लगाने के बाद हम गीली नैपकिन से इसको चारों तरफ से अच्छे से ढक देंगे। घी हमें चारों तरफ से लगाना है पाव में जिसे सॉफ्ट रहे। मार्केट जैसी तो ये सॉफ्ट नहीं बन पाएगी, लेकिन माइक्रोवेव में तो फिर भी सॉफ्ट है, उसमें जो है कम सॉफ्ट रहेगी कुकर में। अब हमें नैपकिन को गीली करके निचोड़ के फिर ढक के आधा घंटा के लिए रख देना है जिससे इसका मॉइस्चर बरकरार रहे। अब इधर हमारी कुकर की भी पाव तैयार हो गई है। अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे और घी लगा के नैपकिन से ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। कुकर वाली
पाव थोड़ी सी फट जाती है। अब हमारी ये पाव भाजी तैयार है।